हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, क्यों चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो सारे के सारे ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस कंडक्टर की सरफेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, और फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए अगर मैं इस कंडक्टर की सरफेस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लूं, ये कोई एरिया एलिमेंट है, इस एलिमेंट का चार्ज है dQ, अगर मेरे को पता हो कि रिमेनिंग सरफेस की वजह से यहां पर इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस एलिमेंट पर फोर्स आ जाएगा dF। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। रिमेनिंग सरफेस की वजह से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस एलिमेंटल एरिया का चार्ज dQ है, तो एलिमेंटल एरिया पर फोर्स होगा E इंटू dQ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इस एलिमेंटल एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, या कोई एसिमेट्रिकल सरफेस हो सकती है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अगर मैं इस पर एक एरिया एलिमेंट ले लूं AB, इस एलिमेंटल एरिया का चार्ज है dQ और एरिया है dA, पूरा कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज है, एलिमेंटल एरिया AB और रिमेनिंग सरफेस है ACB, ये रिमेनिंग सरफेस है। मेरे को रिमेनिंग सरफेस की वजह से इस एलिमेंटल एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए मैं दो पॉइंट्स मान लूं, एक पॉइंट P1 जो इस एलिमेंटल एरिया के बहुत नजदीक है और कंडक्टर के बाहर है, दूसरा पॉइंट मान लिया P2 जो एलिमेंटल एरिया के बहुत नजदीक है लेकिन कंडक्टर के अंदर है। देखो किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, इक्वेशन फर्स्ट। और P2 पॉइंट जो कंडक्टर के अंदर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, इक्वेशन सेकेंड। अगर P1 पॉइंट पर मैं एलिमेंटल एरिया और बाकी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो P1 पॉइंट पर एलिमेंटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और रिमेनिंग सरफेस ACB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। तो P1 पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोल सकता हूं E1 प्लस E2 फॉर P1 पॉइंट। EP1 को लिख सकता हूं E1 प्लस E2 जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, इक्वेशन थर्ड। अगर P2 पॉइंट की बात करूं तो P2 पॉइंट पर एलिमेंटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ E1। देखो दोनों पॉइंट्स एलिमेंटल एरिया के बहुत नजदीक है, तो दोनों पॉइंट्स पर एलिमेंटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम मान सकते हैं, और रिमेनिंग सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर E1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो P2 पॉइंट कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, एलिमेंटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 मान लिया, इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, तो रिमेनिंग सरफेस की वजह से P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड
देखो P2 पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी है कि रिमेनिंग सरफेस की वजह से सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। E2 देखो P2 पॉइंट कंडक्टर के अंदर है और एलिमेंटल एरिया की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ है तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी है कि रिमेनिंग सरफेस की वजह से सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब P2 पॉइंट पर एलिमेंटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ तो रिमेनिंग सरफेस की वजह से सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर थर्ड इक्वेशन में E1 की जगह E2 लिख दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये होगा 2E2 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फिफ्थ, मतलब रिमेनिंग सरफेस ACB की वजह से AB एलिमेंटल एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एलिमेंटल एरिया पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया DF इक्वल टू E into DQ, E2 into DQ, E2 की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो DF होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ को लिख सकता हूं सिग्मा DA। देखो सिग्मा यहां पर चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज ओवर एरिया, एलिमेंटल एरिया का चार्ज DQ और एरिया DA, तो DQ की वैल्यू पुट कर सकता हूं सिग्मा DA। तो ये हो गया DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA। अब होल कंडक्टर की सरफेस पर, पूरे कंडक्टर की सरफेस पर टोटल चार्ज के लिए इसका मैं कर दूंगा सरफेस इंटीग्रेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन होल सरफेस ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है यहां पे, तो यहां पे लिख दूं F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सरफेस इंटीग्रल बचा DA का। अब सरफेस इंटीग्रल करने से पूरे कंडक्टर का सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर ये कंडक्टर स्फेरिकल होता तो सरफेस इंटीग्रेशन हो जाता 4πr². अब अगर इस पूरे एरिया को डिवाइड में ले आऊं तो फोर्स अपॉन एरिया वो हो जाएगा प्रेशर, इसी प्रेशर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर, F ओवर एरिया इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स अपॉन एरिया इसी को बोलेंगे प्रेशर, तो P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। अगर मैं इक्वेशन को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा E² तो P इक्वल टू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² मैंने सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट को E लिखा, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर आया चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी डेंसिटी। देखो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां कुछ एनर्जी होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू, तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कुछ वर्क डन हुआ। तो यह क्लियर है भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी थी जो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई आर रेडियस का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। आर रेडियस का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देखो चार्ज स्फीयर है उसकी सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला देखा था सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है। देन इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट और एरिया इस स्फीयर का सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर। देखो अगर इस फोर्स के अगेंस्ट या अगर बात करें इस चार्ज स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि किसी भी चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। अगर स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। अगर इसके बाहर किसी भी पॉइंट की बात करें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, और इस स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर हर एक पॉइंट पर एनर्जी भी जीरो है। देखो चार्ज स्फीयर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट अगर मैं इस स्फीयर को कंप्रेस करूं, मैंने इस स्फीयर को कंप्रेस कर दिया, अब स्फीयर की रेडियस बची है आर माइनस डी आर। देखो पहले जब स्फीयर की रेडियस आर थी तब यहां पर इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो, क्योंकि ये पॉइंट स्फीयर के अंदर थे और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। अगर अब मैंने इसको कंप्रेस करने के बाद इसकी रेडियस बची आर माइनस डी आर, तो ये पॉइंट स्फीयर के बाहर आ गए और इन पॉइंट्स पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि स्फीयर को कंप्रेस करने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन इस कंप्रेस्ड वॉल्यूम में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वही वर्क डन इस कंप्रेस्ड वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन होगा, वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्फीयर बाय ए डिस्टेंस डी आर। डी आर रेडियस कंप्रेस करने में वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन होगा सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और डी आर का डी आर, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आ जाएगा कंप्रेस्ड वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम कंप्रेस किया है
dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv, 4 पाई r स्क्वायर को मैंने लिखा dv, कंप्रेस्ड वॉल्यूम। देखो इस कंप्रेस्ड वॉल्यूम में पहले कोई एनर्जी नहीं थी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। अब जो कंप्रेस करने में वर्क डन हुआ वही इस कंप्रेस्ड वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। देखो पहले स्फीयर की रेडियस थी r, तो इस कंप्रेस्ड वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो, तो यहां पर एनर्जी भी थी जीरो। अगर मैंने स्फीयर को कंप्रेस कर दिया, अब स्फीयर की रेडियस बची है r माइनस dr, तो ये जो कंप्रेस्ड वॉल्यूम है ये इस स्फीयर के बाहर हो गया, और किसी भी चार्ज्ड स्फीयर के बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वहां पर कुछ एनर्जी भी होगी। तो कंप्रेस करने में जो वर्क डन किया वही वर्क डन यहां पर कंप्रेस्ड वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो यही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। यही वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो du बाय dv इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी जिसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल u से, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल होता है, या अगर देखें एनर्जी डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, अगर सिग्मा को लिखूं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, ये चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं, तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर, क्योंकि ई इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ई इक्वल टू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चार्ज स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को लिखा मैंने ई स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सोप बबल। मान लीजिए ये कोई सोप बबल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। देखो किसी भी सोप बबल की सरफेस पर एक टेंशन फोर्स वर्क करता है जो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर टेंशन फोर्स की वजह से इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इसके अंदर की प्रेशर, अंदर की एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज इन प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर एक्सेस जो है टेंशन फोर्स की वजह से, वो है 4T ओवर आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर सोप बबल को सिग्मा चार्ज डेंसिटी से यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया तो इसकी सरफेस पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इसकी सरफेस को वापस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर होगा वो इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। देखो सरफेस टेंशन की वजह से इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसका सरफेस एरिया वापस इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, तो फॉर इक्विलिब्रियम फोर टी ओवर आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। अब यहां से टेंशन फोर्स फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं, या चार्ज डेंसिटी सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। अब अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा फाइंड करनी है तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी ओवर आर, तो सिग्मा इक्वल टू होगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी ओवर आर का रूट। अगर
यहां से सिग्मा से चार्ज फाइंड करना हो तो सिग्मा की जगह पुट कर सकते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर एरिया। अगर सोप बबल को दिया गया टोटल चार्ज Q है तो Q बाय एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 एप्सिलॉन नॉट टी ओवर आर, और यहां से चार्ज आ जाएगा। अगर रेडियस फाइंड करनी हो तो R इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन से 8 एप्सिलॉन नॉट टी ओवर सिग्मा स्क्वायर, या टेंशन फोर्स फाइंड करना हो तो टेंशन फोर्स फाइंड हो जाएगा। यह है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज्ड सोप बबल।